टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को, 53 वर्षीय डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार सुबह 6:30 बजे रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस की एक टीम अर्णब गोस्वामी के घर पहुंची और हिरासत में लिया। दरअसल अर्णब गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ने नायक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्णब गोस्वामी को उनके घर से हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये मामला 2 साल पहले का है, मई 2018 का है, जब 53 साल के अन्वय नाइक और उनकी मां मुकुट नाइक ने अलीबाग के अपने बंगले में खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के मामले में अन्वय नाइक ने चिट्ठी में 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। वो 3 व्यक्ति थे, अर्णब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सारडा। अर्णब गोस्वामी ने अन्वय नाइक को रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो और दफ्तर के डिज़ाइन का काम दिया था और काम का भुगतान नहीं किया था, यानी पैसे जो है वो नहीं दिया था। कितना पैसा बकाया था वो हम आपको बता रहे हैं। अर्णब गोस्वामी ने पैसा नहीं दिया था, जिसके कारण अन्वय के सुसाइड नोट के मुताबिक 5,40,00,000 रुपये का भुगतान नहीं करने से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और तंगी के चलते उनकी माली हालत खराब हो गई। और अन्वय की आत्महत्या के बाद उनकी पत्नी की शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर अलीबाग पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत नहीं मिलने और आरोपों में तथ्य न मिलने से रायगढ़ पुलिस ने केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। हालांकि तब राज्य में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर यह आरोप लगे थे कि मामले की जांच राजनीतिक दबाव में बंद किया गया है। अब मई 2020 में महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री अनिल देशमुख ने अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की लिखित शिकायत पत्र के आधार पर एक बार फिर केस की जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। और उस वक्त के सुसाइड नोट भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर आप देखेंगे सुसाइड नोट जो है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, गोस्वामी को घर से हिरासत में लेने के मामले में लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं जारी है, एक दूसरे पर राजनीतिक टिप्पणियां शुरू है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और महाराष्ट्र सरकार कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस को जांच में कोई सबूत हाथ लगा होगा तो पुलिस किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है। Better you come with us. Keep a distance. Better way you come with us. Are you coming with us? Keep a distance from me. Are you coming with us peacefully? I am handing outside your residence. My last two hours. You have enough time.
You have physically assaulted me. I have some problems. No, physically assaulted. You have physically assaulted me. Yeah. And I need to make arrangements with my family. So please wait outside. I'll come. No. You are under arrest right now. You have done ample time. No, you don't physically assault me. Don't touch my son. You have touched my son. You assaulted me. You have physically assaulted me. You cannot physically. I'm telling you, you are physically assaulting me. Assaulting my family. Why is he taking me in the house in the morning? I'm the editor in chief of Republic TV. You are physically assaulting me. Is this correct? Sachin, you tell me why you're physically assaulting me. I will not accept physical assault. Maintain social distancing and sit around. I just want to tell you, viewers, I came later. Are the people here. Shamo, is this live? Arnabji, no. These are the people, they are physically assaulting me. We have to use force now. If you do like this, please don't do that. Shamo, they have assaulted. I have got that all live. That's gone live, that assault. And this person assaulted me, I don't know his name. I just want to give a report before. Shamo, first of all, don't worry. Aap cooperate. Everything will be alright. These people have entered my house and physically assaulted me. This is therefore the high-handedness of the Mumbai police. I'll send it to the police. They came at 6 o'clock in the morning. They physically assaulted me. They pulled me out of my house. They dragged me by my belt. This person and Sachin Vase, who has entered my house illegally, physical assault is unacceptable and I have been, it cannot be done. Listen, he is an encounter cop. Listen, you please go down, I'll make arrangements. You have physically assaulted me, I'm injured. I now need to take medical advice and pass. Because of your physical assault, I am feeling unwell. So I'll take medical advice. I need medical advice before leaving because after the physical assault I'm not feeling well. I need to arrange arrangements for my family members. Please, Shamo, just record this. I want to talk to my family before leaving. Will you leave the room? Give me privacy to speak to my family. I want to speak to my family. Please, we are requesting you. Don't physically assault. No one has physically assaulted you. First of all, don't surround me like this. You are in our custody. Don't shout at me. You are in police custody. You physically assaulted me this morning. I have not. What is the charge?
Sorry? What is the charge? We will tell you. We will give in writing. Once again, I will tell you. Once again, I will tell you. Is case number 69 of 2018 under section 306-34 IPC about Raigad police. Come on. That just is closed. Yeah. No close, not closed. It's open. It's open. You have been arrested. You are arrested. You are arrested by Raigad police. Come on. You have been arrested by Raigad police. Chali. चलो चलो You are creating trouble for yourself. I need to speak to my wife. Yes. Shamo! Assault! Chill, don't push my side.